क्या हाल है भाई लोग। होप करता हूँ यार सब अच्छे होंगे और अपना बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। मैं हूँ आपका भाई जयेश और आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जो कि है कि हम अपनी कार के ऊपर आए हुए स्क्रैचेस को कैसे हटाएं। क्या इसका कोई सॉल्यूशन है जो हम अपने घर पे ही ट्राई कर सकते हैं जिससे कि हम अपनी गाड़ी के स्क्रैच को हटा सके। बेसिकली क्या होता है यार, जो ये रबिंग और ये जो आपका डेंटिंग पेंटिंग का जो प्रोसेस होता है, अगर आप इसको मार्केट में करवा रहे हैं, बाहर से करवा रहे हैं, किसी शॉप से करवा रहे हैं, तो ये बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस हो जाता है। मतलब हमें काफ़ी ज़्यादा पे करना होता है, क्योंकि यार देखो, जब भी कोई गाड़ी लेता है, मतलब नई कार बाई करता है या फिर कोई बिगनर है जो गाड़ी चलाना सीख रहा है या कुछ भी हो, कितने भी प्रो ड्राइवर हो, मतलब गाड़ी अगर रोड पर आपकी चल रही हो तो डेफिनेटली उसमें कहीं ना कहीं स्क्रैचेस हमारे लग ही जाते हैं। कभी अपनी गलती होती है, कभी अपनी गलती ना होते हुए भी हमारी गाड़ी में स्क्रैचेस आ ही जाते हैं। छोटे मोटे भी स्क्रैचेस कभी कभी आ जाते हैं जो देखने में काफी अच्छे नहीं लगते हैं, बहुत बुरे लगते हैं और काफी ऑड ऑड सा लगता है। तो उसके लिए भी हमें यार, अगर बाहर से हम उसका कराते हैं, मतलब जाके उसका रिपेयर कराते हैं, उसको सही कराते हैं, तो हमें काफी ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ता है। इन मतलब 1000 में हमें उसको पे करना पड़ जाता है छोटे मोटे स्क्रैचेस के लिए भी, अगर हम उसको बाहर से कराते हैं तो। लेकिन बहुत सारी वीडियोस आपने यूट्यूब पे देखी होगी, बहुत सारे भाई लोगों की वीडियो देखी होगी कि हम ना इसको घर पे भी रिमूव कर सकते हैं। बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, कोई कोई भाई लोग नारियल का तेल बताते हैं, कोई लोग कोलगेट बताते हैं, कोई लोग रबिंग कंपाउंड यूज करने को बताते हैं। तो बहुत सारे इसके नुस्खे होते हैं जो कि हम ट्राई कर सकते हैं इसको हटाने के लिए। तो यार मैंने भी ना, मतलब मेरी गाड़ी में भी बहुत सारे स्क्रैचेस आ चुके हैं। अभी मैं आपको बाहर चल के दिखाता हूँ कि कितने ज्यादा स्क्रैचेस मेरी गाड़ी में आ चुके हैं। कुछ मेजर भी हैं और कुछ माइनर से भी हैं। तो हम दोनों ही स्क्रैचेस को आज यहाँ पे ट्राई करेंगे हटाने का। और उस स्क्रैच को हटाने के लिए मैंने यहाँ पे एक प्रोडक्ट मंगाया है जो कि है अपना रबिंग कंपाउंड। अगर आप देखें तो मैं इसका आपको दिखा देता हूँ। ये वैक्स पोल करके है रबिंग कंपाउंड, जो कि आपको नॉर्मली अमेजोन पे फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगा। और अगर आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट से ना मंगाना चाहते हैं तो आप किसी भी नॉर्मल ऑटोमोबाइल के शॉप पे जाएंगे बाहर, जहाँ पे ऑटोमोबाइल के पार्ट्स वगैरह मिलते हो या फिर वो एसेसरीज के पार्ट्स वगैरह रखते हो, वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ये अभी देखे तो इसकी कंपनी वैक्सपोल है, ये वैक्सपोल का लिया है मैंने। ये आपका 3M का भी आता है, अगर आप 3M का भी लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। वो इसके कंपेरिजन थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। इसकी अगर रेट की बात करो तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका रेट कुछ 95 रुपीज़ है। ये मेरे को 90 रुपीज़ का पड़ा था, 90 रुपीज़ का मैंने इसको लिया है। 3M का भी आता है। ये जो चीज़ है, अगर आप इससे रबिंग कंपाउंड करते हैं, मतलब अगर आप इससे रबिंग करते हैं स्क्रैचेस को हटाने के लिए, तो इसका प्रोसेस क्या होता है कि आप इसको नॉर्मली, अगर आपकी वाइट कार है, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें तो वाइट कार खड़ी है, अगर आप इस कार पे, मतलब वाइट कलर की कार पे अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको नॉर्मली आप इसको लगा के रब करके यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको अभी दिखाऊंगा। अगर आपकी कलर, कोई गाड़ी का कलर है, जैसे मेरी ब्लू है, रेड है, जो भी है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पानी का यूज़ करना पड़ेगा, मतलब पानी डाल के उसको करना पड़ेगा। अभी आपको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, वीडियो में बने जरूर रहना। तो वो मैं चेक करेंगे कि इसका क्या रिजल्ट है क्या नहीं है। 3M की जो पॉलिश होती है उसमें क्या होता है, उसमें बेसिकली वो ना एक स्टेप पॉलिश होती है, मतलब उसमें आपको पॉलिश भी मिल जाती है, वो सब भी हो जाता है। तो आप नॉर्मली लगा के डायरेक्टली उसको रब कर सकते हैं, उसका पॉलिश का भी काम। लेकिन इसके बाद अगर हम इससे इस वैक्सपोल के उससे हम कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ हमें इसको रबिंग करने के बाद हमें पॉलिश अलग से लगानी पड़ती है। उसके लिए भी मेरे पे एक पॉलिश पहले से पड़ी थी, तो ये मैंने मंगाई है। नॉर्मल मैं ब्लैक पार्ट पे यूज़ करता हूं, तो हम इस पॉलिश को भी यूज़ कर सकते हैं, या आप पे कोई भी पड़ी हो तो उसको आप पॉलिश को रबिंग करने के बाद लगा सकते हैं। तो यार अभी देखो, अभी मैंने मंगाया है ये नया ये बॉटल जो डब्बा है, ये पूरा नया, अभी मैंने भी ट्राई नहीं किया है, तो मैं खुद देखना चाहूँगा, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। मैंने भी बहुत वीडियो देखी है, तो बहुत सारे भाई लोग, मतलब काफ़ी मेजर स्क्रैचेस इस रबिंग कंपाउंड से हटा देते हैं। तो अभी हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। अगर पॉजिटिव आता है तो वो भी शेयर करूंगा, नेगेटिव आता है तो वो भी शेयर करूंगा। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि स्क्रैचेस से हटते हैं कि नहीं। तो भाई लोग, ये रही अपनी बलिना यहाँ पे खड़ी है और मैं आपको स्क्रैचेस दिखा दूँ। तो ये रियर बम्पर है अपनी गाड़ी का, अगर आप देखें तो यहाँ पे ये थोड़ी सी ना, मतलब यार कोई मार के चला गया है, पता नहीं कैसे लगी, मुझे भी नहीं पता पार्किंग में। तो ये चीज़ अगर आप देखो तो यहाँ पे ना, मतलब देखो ये स्क्रैचेस है। अब देखो जो ये ब्लैक पार्ट है, ये अगर आप देखें, ये और ये तो देखो पेंट उतर गया। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो वैक्सिंग, मतलब जो वैक्सपोल का जो रबिंग कंपाउंड है, ये वहीं पर काम करेगा जहाँ पर आपका स्क्रैच आया हुआ हो, ये वहाँ पे बिल्कुल काम नहीं करेगा जहाँ पे पेंट उतर गया। जैसे कि अभी अगर आप यहाँ पे देखो तो ये ब्लू से ब्लैक हो गया है, इसका मतलब ये कि इस पर्टिकुलर पॉइंट का जो पेंट है वो उतर चुका है। तो इसके लिए देखो रीपेंटिंग ही करानी पड़ेगी, उसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन जो ये स्क्रैचेस है ना, जैसे आप देखिए ये वाइट स्क्रैचेस आ चुके हैं यहाँ पे, अगर आप देखें तो ये स्क्रैचेस आ चुके हैं, ये सब अगर आपको दिख रहे होंगे, ये स्क्रैचेस जो है इसको हम इससे हटाने की यहाँ पे पूरी कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये हट रहा है कि नहीं। ठीक है, एक यहाँ पे हम ट्राई करेंगे और एक अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे अगर आप साइड में देखेंगे तो ये भी लगता है किसी बच्चे ने, मतलब ये ऐसी पत्थर लेके क्रोच मार दी पूरी, या जैसे भी लगी होगी। तो ये एक स्क्रैच भी मेरी गाड़ी में आ रखा, तो ये एक थोड़ा सा मेजर स्क्रैच है, मतलब इसमें हल्का हल्का पेंट भी जा चुका है। तो एक तो हम इसमें ट्राई करने वाले हैं और एक हम यहाँ पर ट्राई करने वाले हैं, तो इस तीनों जगह पर ट्राई करके देखेंगे और रिजल्ट क्या होगा वो भी मैं आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं कि इस रबिंग कंपाउंड को हमें लगाना कैसे। तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं यहाँ पर और मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ कि कैसे इसको आपको करना है।
तो भाई लोग देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपका सरफेस है ना उसको आप पहले अच्छे से क्लीन कर लो। जैसे मैंने आपको बताया था ये वैक्सपूल रबिंग कंपाउंड है, तो इसको लगाने से पहले ना आपका जो सरफेस है वो थोड़ा सा गीला होना चाहिए, क्योंकि ये ना थोड़ा इसमें पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं। जो हमारी 3M की पॉलिश आती है बहुत ही स्लिपरी होती है, तो उसके लिए जरूरत नहीं होती, लेकिन इसके लिए हमें ना थोड़ा सा गीला करना सरफेस को बहुत ज़रूरी होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉटन कपड़े को हम लेके थोड़ा ना इसको अच्छे से साफ़ कर देंगे, ताकि इसकी जो धूल है वो भी हट जाए और साथ ही साथ ये थोड़ा सा गीला भी हो जाए। ठीक है, तो इसको बढ़िया से साफ़ करने के बाद उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इस वैक्स पोल को खोलना है। तो ये देखो, ये डब्बा है मेरा ना, इसमें एक कवर होता है, इसको हम इसे खोलेंगे ऐसे। तो कुछ इस प्रकार की हमारी, ये देखो कुछ मतलब जैसे ये मिट्टी जैसा सा आता है, अगर आप देखेंगे स्मेल काफ़ी अच्छी है इसकी। तो इसको हमें क्या करना है, इसको नॉर्मली हमें ऐसे निकालना है। ठीक है, ये और जहाँ पे हमारे स्क्रैच है उसको ऐसे करके टैप टैप करके आप बढ़िया करके ऐसे ऐसे करके टैप टैप करके लगा दें पूरे पोजिशन में। ठीक है, ठीक है, जैसे ये देखो ये स्क्रैचेस यहाँ पे दिख रहे हैं, तो इसको हटाने की हम यहाँ पे पूरी कोशिश करेंगे। तो ये स्क्रैचेस में हमें इसको अच्छे से टैप करके लगा देना है बढ़िया करके, और जहाँ जहाँ पे भी स्क्रैचेस है उसको बढ़िया करके लगा के ऐसे टैप टैप करके आप लगा दो। उसके बाद क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। तो पहले हम सारे स्क्रैच पार्टिकल जो हमारे स्क्रैच आए हैं कार में उसको हम अच्छे से कवर करेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा है स्क्रैचेस अगर आप देखें तो अभी मैं इसे अच्छे से करके लगा लेता हूँ। और उसके बाद जब आप लगा ले तो आपको क्या करना है, इसको ना सर्कुलर मोशन में हल्का हल्का हल्के हाथ से एकदम स्मूथली आपको इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे इसको कर देना है, ताकि एक लेयर सी बन जाए। और इसको हमें लगाने के बाद कुछ टाइम के लिए हमें इसे छोड़ना है, अप्रॉक्सीमेटली आप 2 मिनट के लिए, 2 से 3 मिनट के लिए इसको आप थोड़ा इस पर ऐसे ही छोड़ दें, ताकि ये अच्छे से इसमें लग जाए। और उसके बाद हम इसको अच्छे से थोड़ा रब करके निकालेंगे, ताकि जो भी इसके इसमें स्क्रैचेज हैं वो हमारे पूरी तरह से बाहर आ जाए। तो अभी देखो यार, मैं भी फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ और मुझे भी इसका रिज़ल्ट पता नहीं है कि क्या आएगा कैसा आएगा, तो अभी देखते हैं। अगर ये हट गया तो यार तो बहुत ही अच्छी बात है, और हमारा काफ़ी नुकसान जो है बच जाएगा, क्योंकि अगर ये हल्का भी कर देता तो हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। तो अभी अगर आप देखें तो मैंने पूरी तरह से यहाँ पे जितने मेरे स्क्रैचेस थे वहाँ पे मैंने इसको अच्छे से लगा लिया है। ठीक है, अब इसको हम ज़्यादा भी ना लगाएं, ताकि थोड़ा प्रॉब्लम ना हो। ये अगर आप देखें भाई लोग, तो मैंने इसको पूरी तरह से स्क्रैचेस में रिकवर कर दिया, अच्छे से लगा लिया है। तो अब इसको हम यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको हम छोड़ेंगे, ताकि 2 मिनट तक ये थोड़ा ये कार में अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद हम इसको एक कॉटन के कपड़े से, या फिर अगर आपके पास माइक्रोफाइबर क्लॉथ हो तो उससे हम इसको अच्छे से रब करके निकालेंगे। ध्यान रहे, जब आप रब कर रहे हो तो थोड़ी सी आपको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो लोग रबिंग करते हैं वो मशीन से करते हैं, आप हाथ से कर रहे हो तो थोड़ा मैनुअली आपको इसमें ज़्यादा वो करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो भाई लोग, अभी हमने यहाँ पे रबिंग कंपाउंड लगाने के बाद इसको 2 मिनट के लिए छोड़ा था, अब हम इसको रब करते हैं। तो रब करने के लिए जैसे मैंने बताया, आप कॉटन के कपड़े को यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने वही कॉटन का कपड़ा लिया जिससे मैंने सरफेस को क्लीन किया था, तो कपड़ा थोड़ा साफ हो। उसके बाद इसको नॉर्मली आप इसे एक पॉइंटेड तरीके से करके आप नॉर्मली इसको रब करना शुरू करें। तो रब करके देखते हैं कि ये किस रिज़ल्ट हमें क्या मिलता है। मैं होप कर रहा हूँ कि थोड़ा पॉजिटिव हो, तो मैं इसे रब करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मैं रब कर रहा हूँ, और थोड़ा सा आपको सर्कुलर मोशन में थोड़ी सी मतलब यू नो पोज के साथ इसको रब करना है। तो अगर यार मैं बताऊं तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो माइनर स्क्रैचेस थे वो पूरी तरह से गायब हो रहे हैं। बाकी रब करने के बाद हम देखते हैं कि इसमें क्या इसका रिजल्ट जो है वो आता है। ठीक है, थोड़ा सा सर्कुलर मोशन में रब करते हो, थोड़ी सी आपको जान की ज़रूरत जरूर पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा आपको पावर लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा मोशन अच्छे से करें, ताकि इसका जो, क्योंकि क्या है देखो, आप मैनुअली कर रहे हो और मशीन में करने से थोड़ा फ़र्क ज़रूर पड़ता है। तो इसको अगर आप थोड़ी पावर के साथ करेंगे तो इसके साथ जो ये पार्टिकल्स हैं ये स्क्रैच को निकालने में आपको ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अगर आप देखें तो ये वाइट कलर की जो स्क्रैचेस थे वो काफ़ी अच्छे से रिमूव हो रहे हैं। ठीक है, जो आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे कैमरे में, तो अभी काफ़ी थकान होगी मुझे, थोड़ा मैं दूसरी साइड से करके देखता हूँ। तो भाई लोग, अगर आप देखें तो मैंने एक साइड को रब कर दिया है यहाँ पे, और अगर यहाँ पे वाइट स्क्रैचेस देखे तो मैंने जैसा कहा था ब्लैक वाला तो यार ये इम्पॉसिबल है जाना, क्योंकि देखो यहाँ पे पेंट उतर चुका है गाड़ी का, लेकिन जो ये वाइट स्क्रैचेस थे ये पूरे के पूरे गायब हो गए। अब ये भी बाकी का हिस्सा भी रब करके देख लेते हैं, और इसमें देखते हैं इसका स्क्रैचेस जो है वो हटाए कि नहीं। उसके बाद का एक प्रोसेस है पॉलिश वाला, वो भी मैं आपको करके बताता हूँ। तो चलो फटाफट इसको भी रब करके देख लेते हैं। तो भाई लोग, रिमेनिंग पार्ट को भी रब कर लेते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट होता है। तो इसको भी हम थोड़ा फोर्सफुली रब करेंगे और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। ये काफ़ी सूख गई थी, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा पानी का यूज़ कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा हैवी लग रहा है। तो यहाँ पे ये रब हो चुका है, और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि ये जो वाइट पार्टिकल्स थे जिस जो पेंट नहीं उतरा था, वो सारे के सारे स्क्रैचेस जो हैं यहाँ पे गायब हो चुके हैं। बट इस ब्लैक वाले पार्ट को मैं आपको एक बिफोर और आफ्टर की फ़ोटो डाल के दिखा दूँगा। अगर आप देखें तो यहाँ पर ये सारे स्क्रैचेस जो है वो ईज़िली यहाँ से गायब हो चुके हैं। थोड़ा
मेहनत का काम है, लेकिन ये है कि यार आपके पैसे ज़रूर बचाएगा। तो अभी अगर आप देखें तो ये चीज़ एकदम कि एकदम क्लियर हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है, एकदम क्लियर हो चुकी है अगर आप कैमरे पे जज कर पा रहे हो। लेकिन अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ जो मेरी आँखों से विजिबल है, आपको रबिंग करने के बाद ना आपको थोड़ा सा पेंट में डिफरेंस दिखेगा, जैसे कि ये चीज़ जो है काफ़ी शाइनिंग लग रही है, लेकिन ये नॉर्मल आपका थोड़ा सा डल सा लग रहा है। अगर आप कैमरे पे जज कर पा रहे हो, मैं आंखों से देख पा रहा हूँ कि ये थोड़ा सा डल हो गया है। तो इसी के लिए हमें यहाँ पे, क्योंकि क्या है ना यार, ये सिर्फ ये सिंपल मतलब वन स्टेप प्रोसेस नहीं है आपका वैक्स पूल, तो इसके लिए मैं क्या करना है, इसके लिए हमें यहाँ पे पॉलिश का यूज़ करना है। पॉलिश का यूज़ करने के बाद ये नॉर्मली सेम हो जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे पॉलिश लगा के दिखाता हूँ और फिर देखते हैं कि ये कैसा ओवरऑल लग रहा है। तो भाई लोग, जैसा कि मैंने बताया, अभी आपको पॉलिश मारना पड़ेगा। तो ये नॉर्मली पॉलिश है मेरे पास, इसको मैं थोड़ा सा स्प्रे कर लेता हूँ इस पार्टिकल में, जहाँ जहाँ मैंने इस अपने ख़त्म ही हो गई है ऑलमोस्ट, पर काम हो जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे स्प्रे कर लिया पॉलिश को इस उस पर्टिकुलर उसमें। अब इस पॉलिश को भी हम नॉर्मली इसमें कपड़े से थोड़ा सा अच्छे से तरीके से इसको साफ़ कर लेंगे। उसके बाद ये नॉर्मली जैसा आपका पहले था, अच्छे से आप इसको पॉलिश कर ले। और अगर आप देखें रिजल्ट, तो ये पूरा एरिया जो है एकदम सेम टू सेम हो चुका है। तो यार ये नॉर्मल माइनर से स्क्रैचेस के लिए बहुत ही यूज़फुल है ये जो रबिंग गम बॉन्ड है। मतलब आपका नॉर्मली स्क्रैच आता है, और अगर गाड़ी का पेंट नहीं उतरा है और माइनर स्क्रैच है, तो आप उसको सेम डे पे अगर आप यूज़ कर लेते हैं, तो आप देखें, मैं एक बिफोर और आफ्टर की फोटो जरूर डालूंगा। आप कमेंट करके बताना कि आपको रिजल्ट दिखा कि नहीं। तो अगर आप देखें तो यार पहले से काफ़ी बेटर हो चुका है ये बैग, इतने पोर्शन को अगर आप जज करें तो ये चीज़ देखें। और ये ब्लैक को छोड़ के सारी चीज़ें यहाँ पे जो है एकदम ही गायब हो चुकी है, अगर आप कैमरे पे जज कर पा रहे हो। तो मैं काफ़ी हैप्पी हूँ इस साइड से। अब हम चलते हैं मेजर वाले स्क्रैच पे, मेजर वाले स्क्रैच पे भी एक बार ट्राई करते हैं और देखते हैं उसका हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो भाई लोग, अब हम शुरू करते हैं यहाँ पे मेजर से स्क्रैच को हटाने को। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बड़ी सी लाइन आपको दिख रही होगी व्हाइट कलर की। तो यार ये देखते हैं, अगर ये स्क्रैच हट गया ना इस वैक्स पूल रबिंग कंपाउंड से, तो भाई समझो पूरे पैसे वसूल है। क्योंकि भाई अगर आप देखें तो काफ़ी मतलब ये थोड़ा ज़्यादा है, मतलब इसमें पेंट भी उतर गया। अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे मेरे को फील हो रहा है पूरा। और अगर इसके नीचे आप देखेंगे तो इसके नीचे भी बहुत सारे छोटे छोटे स्क्रैचेज, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये लाइन दिख रही होगी आपको अगर आप कैमरे में जज कर पा रहे हो। तो ये बहुत सारे स्क्रैचेज आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, मैं आपको थोड़ा सा फोकस करके दिखाता हूँ, देख रहे हो आप। तो ये सारे स्क्रैचेस को मटाने की कोशिश करेंगे। ये पूरे स्क्रैच दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे, और ये हमारा एक थोड़ा सा मेजर सा स्क्रैच है। तो मैं आपको यहाँ से लेके इतने पार्टिकल में रबिंग कंपाउंड को लगाने वाला हूँ पूरे में, और इसको रब करने के बाद देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। चलो फटाफट से मैं रबिंग कंपाउंड को लगा के दिखाता हूँ। तो भाई लोग, फटाफट से इस पर रबिंग कंपाउंड लगा लेते हैं, ऐसे टैप करके जैसा मैंने आपको बताया था वीडियो में, ठीक है। ये अगर आप देखें तो ये काफ़ी मेजर सा स्क्रैच है, अगर ये हट गया भाई तो समझो पैसा वसूल है। ऐसे कितना, 90 रुपये का ही है, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। लेकिन अगर ये हट गया तो यार ये काफ़ी यूज़फुल होने वाला है हमारे मतलब कार के लिए। तो पहले मैं इस मेजर से स्क्रैच पे लगा लेता हूँ ऐसे करके टैप करके, ठीक है। और उसको थोड़ा देर, जैसे मैंने प्रीवियस उसमें किया था, थोड़ी देर इसको मैसेज छोड़ देंगे और बाकी बाद में देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब हम इस छोटे छोटे स्क्रैचेस में भी लगा लेते हैं, पूरी बॉडी में ही लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्क्रैचेस अगर आप देखें तो। मैं इसमें नॉर्मली लगा लेता हूँ, ये लाइन आपको दिख रही होगी यहाँ पे, ठीक है। मैं इसमें पूरे में लगा देता हूँ, बाकी रिजल्ट देखते हैं क्या आता है ये। तो भाई लोग, इसको भी मैंने 2 मिनट छोड़ा है एज इट इज़, मतलब 2 मिनट इसको मैंने रह दिया इस कंपाउंड को। अब इसको हम रब करते हैं और देखते हैं क्या होता है, कुछ फ़र्क हमें दिखता है कि नहीं दिखता है। थोड़ा ये थोड़ा सा देखो अभी स्लिपरी हो रहा है, तो ये चीज़ सही है। अगर आपका थोड़ा हार्ड आपको अगर ये लगे पॉलिश, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी का यूज़ कर सकते हैं, हल्का सा पानी का छिड़काव करें ताकि आपका ये इजीली आपका रब हो जाए। अभी ये ऊपर वाली लाइन को मैं नहीं कर रहा हूँ, इसको थोड़ा देर और छोड़ रहा हूँ, नीचे का करके देखते हैं पहले नीचे का क्या रिजल्ट रहता है, उसके बाद हम ऊपर वाले उसको रब करेंगे, ठीक है। तो अभी नीचे अगर आप देखें तो मेरे को तो रिजल्ट दिख रहा है कि ये जो माइनर से स्क्रैचेस थे वो सारे हमारे जा चुके हैं। बाकी और रब करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या हमारा रिजल्ट आता है। सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे को इसकी स्मेल बहुत ही अच्छी लग रही है, जैसे न्यूली पेंटेड रूम की स्मेल नहीं आती, वैसी स्मेल आ रही है जैसे कि नया नया पेंट किया हो घर को। तो अभी इसको हम रब करते हैं अच्छे से, और रब करने के बाद याद रहे पॉलिश लगाना ना भूलें, ताकि आपकी जो कलर में थोड़ा शाइननेस है वो बरकरार रहे। तो आप अच्छी पॉलिश का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपका थोड़ा वो अच्छा रहे। तभी देखो मैंने एकदम प्रॉपर तरीके से इसको रब कर दिया है यहाँ पे, इस पूरे पार्ट को, ठीक है। ये देखो कुछ इतना रबिंग कंपाउंड भी हमारा यहाँ पे निकल चुका है। तो दूसरे साइड को यूज़ करके फिर से हम इसको रब करते हैं, ताकि ये जो है अच्छे से साफ हो जाए। और अगर आपको देखें तो रिज़ल्ट आपको काफ़ी दिख रहा होगा यहाँ पे, मतलब काफ़ी स्क्रैच जो है वो गायब हो चुके हैं यहाँ से, ठीक है। थोड़ी मेहनत लगेगी, और आप ये भी कर सकते हैं, कभी कभी आपको लगे कि स्क्रैच मतलब एक बार में ना आ जाए, तो आप डबल कोट का यूज़ कर सकते हो, दोबारा भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट साइड बढ़ते हैं फटाफट से, इस साइड को रब करके देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक बड़ी सी लाइन थी जो मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियो में दिखाई थी, पूरी तरह से गायब हो चुकी है अभी से। थोड़ा और अच्छे से रब करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है इसका रिजल्ट। ये ध्यान रहे कि आपको रब करते हुए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा फोर्सफुली लगाना पड़ेगा,
और okay. अगर आप नीचे का देखें तो नीचे का जो स्क्रैचेस है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर हो चुके हैं, ऑलमोस्ट ये सारे स्क्रैचेस नीचे के गायब हो चुके हैं। तो अभी ये मेजर जो मेन लाइन, अगर ये स्क्रैच हट गया भाई तब तो मज़ा आ जाएगा। थोड़ा सा मैं इसमें पानी का वो कर रहा हूँ ताकि ये ईजिली थोड़ा अच्छे से रिमूव हो सके। अब देखते हैं, तो जैसा कि देख पा रहे हैं मेरे को क्लियरली अभी लाइन दिख रही है, मतलब ये स्क्रैच थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि जो जाएगा ये नहीं जा रहा है यहाँ से, ये थोड़ा हार्ड है। लेकिन हाँ डल ज़रूर हो रहा है, मतलब हल्का लाइट ज़रूर हो रहा है, बट नहीं रिमूव तो भाई बिल्कुल भी नहीं हुआ, ये लाइन तो गायब नहीं हुई है। मतलब ये मैं थोड़ा और कोशिश करके देखता हूँ, नो ये स्क्रैच नहीं जाएगा। लेकिन हाँ ये है कि आप अगर देखें तो थोड़ा पहले से पहले के कंपैरिजन ये काफ़ी लाइट हो गया, मतलब अगर देखें तो वाइट जो है वाइट फिनिश आपकी पूरी की पूरी गायब हो चुकी है। एक बार इसको हम धुलने के बाद पॉलिश करके फिर देखेंगे। ये है कि काफ़ी आप इस चीज़ को लाइट कर सकते हैं, थोड़ा इसे भी रख सकते हैं। अगर आप देखें पास आएगा तो देखो ये इतना गहरा डेंट था कि इसमें देखो वैक्स जो हमने कंपाउंड लगाया वो इसमें फिल हो गया, तो दैट मीन्स बहुत ही मेजर स्क्रैच था ये, मतलब काफ़ी अंदर तक था, पेंट उतर चुका था। बट फिर भी अगर आप देखें तो ये काफ़ी, मतलब अगर आप दूर से देखेंगे तो ये दिखेगा नहीं, मतलब काफ़ी लाइट हो चुका है, तो ये एक बेनिफिट है। तो इसका मतलब ओवरऑल अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ तो जैसे अगर आप नीचे की तरफ देखें तो नीचे हमारे जो स्क्रैचेस थे वो पूरे गायब हो चुके हैं, पूरे डल हो चुके हैं, मतलब जो हल्के स्क्रैचेस। तो मतलब मेन ये जो कंपाउंड है वो आप उस चीज़ पर यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आपके लाइट स्क्रैचेस हो। अगर मेजर है पेंट उतर चुका है तो ये तो भैया यूज़फुल नहीं है, तब आपको बाहर से ही कराना पड़ेगा, बट हल्के स्क्रैचेस के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो इस पर भी हम थोड़ा फटाफट से पॉलिश मारते हैं और उसके बाद इसका फाइनल रिजल्ट देखते हैं। तो इस पर मैं थोड़ा पॉलिश भी हाल ही ख़त्म हो चुकी है, इसको मेरे को खोलना ही पड़ेगा। तो इस पर मैं फटाफट से इस पूरे इससे थोड़ी पॉलिश लगा देता हूँ ताकि इसकी शाइन जो है वो नॉर्मली रहे, क्योंकि वैक्स करने से थोड़ा सा पेंट जो है आपका डल हो जाता है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा अच्छे से पॉलिश को वो कर लेता हूँ, पूरा कपड़ा गंदा हो गया तो इसको मैं अभी इस पॉलिश को वो करके देखते हैं। तो अगर आप देखें पॉलिश करने के बाद तो इसमें काफ़ी अच्छा आपको रिज़ल्ट दिखेगा। अगर आप पहले से कंपेयर करें तो बहुत ही अच्छा इसका आपका रिज़ल्ट है। तो भाई लोग एट दी एंड अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ इस वैक्सपोल रबिंग कंपाउंड की, तो देखो यार ये यूज़फुल है, डेफिनेटली यूज़फुल है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन स्क्रैचेस पे जो आपके माइनर से हैं, मतलब जिन बेसिकली इन शॉर्ट जिनका पेंट नहीं उतरा है उस पे अगर आप थोड़ी मेहनत करोगे, थोड़ा जान लगा के उसको घिसोगे तो डेफिनेटली उस स्क्रैच को गायब कर देता है। और हाँ, जो आपके मेजर स्क्रैचेस जैसा कि आपने वीडियो में देखा उसको ये डल कर देता है, रिमूव बिल्कुल नहीं कर पाता क्योंकि उसका डेफिनेटली उसका पेंट गायब हो चुका है, तो उसको वो रीजनरेट तो उसी शेप में नहीं कर पाएगा, उसी यू नो कलर में नहीं कर पाएगा। तो हाँ ये यूज़फुल है, 90 रुपये में अगर आप ला के नॉर्मल से स्क्रैचेस को अगर रब कर लेते हैं तो आपकी गाड़ी पहले के कंपैरिजन में बहुत ही सही हो जाती है। जैसे कि आपने बैक डोर में देखा काफ़ी जो माइनर स्क्रैचेस थे पूरे गायब हो गए सिवाय एक स्क्रैच, तो मेरे भी पिछली बैक डोर पे एक ही स्क्रैच दिख रहा है जो लंबा सा है। तो यूज़फुल है, काफ़ी यूज़फुल है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप चाहे तो वहाँ से बाय कर सकते हैं या फिर आप ऑफलाइन स्टोर वगैरह से भी ले सकते हैं, ये ईजिली मिल जाता है, कोई यू नो उतना ढूंढने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था भाई लोग, होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू so much।